मेरा नाम थालापल्ली प्रवीण, मैं इस बार बापसा की तरफ से प्रेसिडेंट पोस्ट का उम्मीदवार हूँ। इस कैंपस में बापसा ड्रॉपआउट के खिलाफ लड़ा है, इस कैंपस में बापसा रेसिस्ट डोजर के खिलाफ लड़ा है, इस कैंपस में बापसा तमाम अप्रेस स्टूडेंट्स के लिए लड़ा है। फॉर एग्जाम्पल 2016 में जब यूजीसी गैजेट लागू किया था, इस कैंपस में बापसा सीटेट के खिलाफ इस कैंपस का हाईएस्ट डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किया है, वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉकेड। उसके बाद बापसा 2018 में लॉकडाउन किया है, ये भी इस यूनिवर्सिटी का हाईएस्ट फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है। उसके अलावा बापसा इस कैंपस के एमफिल पीएचडी सीट्स के लिए वही ब्लॉकेड और लॉकडाउन किया है, और साथ ही साथ रिजर्वेशन के लिए भी ब्लॉकेड और लॉकडाउन किया है। और साथ ही साथ बापसा ने एमफिल पीएचडी में रिजर्वेशन और सीट्स के लिए सुप्रीम कोर्ट में भी और हाईकोर्ट में भी केस डाला है, जिसकी वजह से आज इस यूनिवर्सिटी में कुछ सीट्स बचा है एमफिल पीएचडी में। और उसके अलावा बापसा दिल्ली में जस्टिस पर रोहित वेमला का प्रोटेस्ट लीड किया है, और साथ ही साथ इस यूनिवर्सिटी में बापसा तमाम डिस्क्रिमिनेशन पॉलिसी के खिलाफ लड़ाई लड़ा है। खासकर 100% वाइवा का जो इशू है इस यूनिवर्सिटी में, नफे कमेटी, तोराट कमेटी, राजीव भट्ट कमेटी, ये तीनों का कमेटी रिपोर्ट बोलता है इस यूनिवर्सिटी में वाइवा में 100% डिस्क्रिमिनेशन होता है, खासकर SC ST OBC माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ। उसके खिलाफ बापसा ने जंग लड़ा इस यूनिवर्सिटी में, और बापसा के ये मांग है कि वाइवा जो है 15% ज्यादा नहीं होना चाहिए। बापसा को इसीलिए चुनिए क्योंकि बापसा जो है इस कैंपस में सोशल जस्टिस के लिए लड़ा है, और इस यूनिवर्सिटी में बापसा ही एकमात्र संगठन है जो अपना ईमानदारी के साथ हर एक मोमेंट, चाहे जस्टिस पर रोहित हो, चाहे जस्टिस पर नजीब हो, या सीट कट के मुद्दे हो, या रिजर्वेशन का मुद्दा हो, इसके लिए काम किया है। और साथ ही साथ बापसा ने इस कैंपस में पहली बार पूरा देश भर का हर एक यूनिवर्सिटी में बापसा ही एकमात्र संगठन है जो JNU में सोशल जस्टिस को स्थापित किया, क्योंकि JNU में सोशल जस्टिस अभी आना बाकी है, इसीलिए बापसा को चुनना है।